कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला। उनका कहना है कि सरदार पटेल कश्मीर पाकिस्तान को देना चाहते थे, लेकिन नेहरू नहीं माने। कांग्रेस ने सोज के बयान को उनका निजी विचार बताया। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा का विषय बन गए हैं। सोज ने एक और बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सोच का कहना है कि सरदार पटेल कश्मीर पाकिस्तान को देना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू कश्मीर को भारत में रखने के पक्ष में थे। इस बात को उन्होंने अपने आने वाली किताब में लिखा है। इस किताब में कश्मीर की आजादी की बात उठाई गई है। हालांकि कांग्रेस ने सोच के बयानों से किनारा करते हुए इसे किताब बेचने का हथकंडा करार दिया है। कश्मीर पर अपने आने वाली किताब कश्मीर ग्लिम्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल पर शुरू हुए विवाद पर शनिवार को सोच ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि किताब में कांग्रेस या किसी अन्य के नाराज होने वाली कोई बात नहीं लिखी है। सोच का कहना है कि मैंने किताब में लिखा है कि पटेल कश्मीर को पाकिस्तान को देने के पक्षधर थे, लेकिन नेहरू कश्मीर को भारत में रखने के पक्ष में थे। बता दें कि सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। शुक्रवार को सैफुद्दीन सोज ने विवादित बयान दिया था और ये कहा था कि कश्मीरियों की पहली प्राथमिकता आजादी है, जो कि नामुमकिन है। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि जब सीमाएं नहीं बदल सकती हैं, तो फिर कम से कम कश्मीर के दोनों हिस्सों में लोगों को शांति से जीने देना चाहिए। अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए सोच ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए जरूरी है कि दोनों देशों के बीच कश्मीर की सरहद ना बदले। सैफुद्दीन सोज की किताब और उनके बयानों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि कांग्रेस ने सोच की किताब और उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया है। कश्मीर को लेकर देश में सियासी जंग छिड़ी हुई है। सूबे में गवर्नर राज लगने के बाद हालात और बिगड़े हैं। सूबे में आईएस की मौजूदगी की भी पुष्टि हुई है। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी तेज हुई है। पहले से ही बिगड़े कश्मीर के हालातों में इस तरह के बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। राज्यपाल शासन के बाद पहली बार जम्मू में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली की। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा, गुलाम नबी आजाद और लश्कर का बयान एक समान कैसे हो सकता है? राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। भाई गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के प्रमुख नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, वो बयान करते हैं, मैं तो अपने मुंह से बयान को रिपीट भी नहीं कर सकता, दोहरा भी नहीं सकता। वो बयान करते हैं और बयान करते ही लश्कर ए तैयबा इसका समर्थन कर देता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष जी को, श्रीमान राहुल गांधी जी को, कि आपके विपक्ष के नेता के बयान को लश्कर ए तैयबा समर्थन कर रहा है? 21 प्रकार का फ्रीक्वेंसी मैचिंग लश्कर ए तैयबा और कांग्रेस के बीच में है। देश की जनता को जरा आप